अलीगढ़ में सामान वापस नहीं करने पर पुलिसकर्मी ने दुकानदार के मुंह में पिस्टल लगाकर जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि लव कंटक से पुलिसकर्मी की पत्नी रेडीमेड कपड़े लेकर गई थी, वहीं दुकानदार ने कुछ देर बाद आने की बात से नाराज पुलिसकर्मी ने दुकानदार के मुंह में पिस्टल लगा दी और उसे थाने तक ले गया, जिस पर व्यापारियों ने महावीरगंज चौकी पर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिसकर्मी को निलंबित करने की मांग की। वहीं सीओ के निलंबन के आश्वासन पर व्यापारी शांत हुए। देखिए हंगामा इस बात का था, सुबह ही सुबह संजय कंटक ने अपनी दुकान खोली, एक अच्छा व्यापारी है, सुलझा हुआ व्यापारी है। जैसे ही दुकान खोली, कोई पुलिस वाले की बीवी होगी, कुछ सामान लेकर के खरीद के ले गई होगी। 9:30 बजे कौन सा कायदा बनता है कि आए और आकर के साफ सामान वापस कर दिए। संजय का एक कहना था कि भाई साहब ऐसा है, अभी नेक मैंने दुकान खोली है, थोड़ा नेक बॉडी हो जाए, मैं आपका सामान आपको दे दूंगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा। उसके बाद अशोक कुमार है, उसने लेकर के पिस्टल संजय कंटक के हलक में डाल दी और घसीटता हुआ वो ले आया। ये दबंगई, अगर आज वो शासन सत्ता का संजय कंटक होता तो अब तक वो सस्पेंड हो चुका होता। आगरा के एसडीएम अपने ओहदे की ताकत में चूर होकर दबंगई पर उतारू हो गए और अपनी ताकत का प्रदर्शन मजलूमों पर कर रहे हैं। तो आगरा में एसडीएम की दबंगई सामने आई है। एतमादपुर तहसील के एसडीएम जेपी सिंह ने अपने चहेते की गाड़ी रोकने पर दबंगई से एक कंपनी के गार्ड को पीट दिया और जबरन अपनी गाड़ी में डालकर थाने पहुंचा दिया। पीड़ित गार्ड अब अधिकारियों के सामने न्याय की गुहार लगा रहा है। जिलाधिकारी ने इस मामले में जांच कराने की बात कही है। दरअसल आगरा के इनर रिंग रोड का निर्माण चल रहा है। बताया जा रहा है कि एचआर इंफ्राटेक में गार्ड शिव प्रसाद पर उस समय अपनी ड्यूटी निभाना भारी पड़ गया जब उसने एतमादपुर तहसील के एसडीएम से मिलने आए प्रधान की गाड़ी के लिए गेट खोलने से मना कर दिया। प्रधान की गाड़ी लेखपाल गाड़ी में लेखपाल भी बैठा था। प्राइवेट वाहनों के लिए गेट न खोलने का आदेश कंपनी के जीएम का था, जिस कारण गार्ड और प्रधान के बीच कहासुनी हुई, जिसे लेकर प्रधान ने एसडीएम जेपी सिंह से शिकायत की तो एसडीएम आग बबूला हो गए और गार्ड को कमरे में बंद करके जमकर पीटा। पर गेट को खोलना बंद कराना मेरा काम है, ठीक है। जीएम साहब ने ये बोला, उसने एकदम गेट टच किया दादागिरी से, तो मैं बाहर निकल के आएगा भैया ये गाड़ी सिविल बंद है और जीएम साहब का आदेश है कि अंदर गाड़ी नहीं आएगी, ठीक है। तू कौन होता है सारा ये वो, मतलब भतीजी भी आ गए वो, ठीक है। मैं जीएम साहब बैठे हुए, उनसे आदेश ले लो तो जीएम साहब से फोन करवा दो, उसके बाद गाड़ी मैं अंदर ले लूंगा। तो वो सीधे गए एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब से उल्टा सीधा कुछ बोला है, ठीक है। बोलने के बाद एसडीएम साहब ने मैं बुलाया अंदर, अंदर आते ही गेट बंद कर लिया है। गेट बंद करते ही मेरे को मारना शुरू कर दिया है। किन किन लोगों ने मारा? मतलब एसडीएम साहब ने केवल एसडीएम साहब ने। किस तरह से लात घुसो? ये लात घुसो से मतलब मुक्के मारे और लात घुसो। कितनी देर तक बंद कमरे में बंद कितनी देर रखा? 5 मिनट रखा सर। कुछ ग्रामीण मेरे पास अभी आए थे, उनका कहना है कि कोई घटना ऐसी हुई है जिसमें कि एसडीएम दत्तमादपुर उनके बीच में मारपीट हुई है और उनका कहना है कि हमारे केस जाती हुई है, क्योंकि एसडीएम का क्यों शिकायत है, हम लोग एडीएम स्तर से इस पर जांच करा लेंगे और जांच होगा जो भी दोषी पाया जाएगा वी विल टेक एन एक्शन अगेंस्ट। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि एसडीएम ने किस तरह से गार्ड को पीटा, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जो गार्ड जिसे निर्देश दिया गया था जनरल मैनेजर की तरफ से, उस निर्देश का वो पालन कर रहा था, लेकिन दबंगे के कारण कुछ लोग जो कि एसडीएम से मिलने के लिए पहुंचे और गेट न खोलने के कारण एसडीएम को बेवजह कमरे में बंद करके पीटा गया। फिलहाल इस मामले में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा गया है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी। लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें कि ये आगरा का मामला है कि किस तरह से एक गार्ड को बिना किसी वजह बिना किसी कसूर के पीटा गया है। तो यहाँ पर गेट को खोलना बंद कराना मेरा काम है, ठीक है। जीएम साहब ने ये बोला।